हसीन सर हाय, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा सुस्ता रहा है, ऐसे ही मानू ना? गुड आफ्टरनून आशीष जी, सुस्ताने का क्या कह सकते हैं, अभी तो 3:30 में 2 घंटे हैं। मुझे लगता है लास्ट आर में ऐसी रैली आनी है, और कल आज नहीं हुआ तो कल हो जाए, मंडे को 16,000 खुलेगा, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज, बी कॉन्फिडेंट, बट आफ्टर ट्यूजडे यू विल स्टार्ट टू सी द ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म। आज का अपडेट दे दूं, 3-4 दिन से मैं कह रहा हूं भारती आज का टॉप गेनर है। 550 का आपको जुलाई में टारगेट दिया था, 545 हिट हो गया, तो 5 रुपए और है। 525-30 में मैंने बड़ी जोर से कहा था हैवल्स वोल्टास, आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल में 990 पे हैवल और 1,000 रुपए पे वोल्टास कहा था, आज के टॉप गेनर्स हैं। सो कंजम्पशन इलेक्ट्रिकल्स आर बैक। आपको और बताऊं कि क्रॉस ब्रॉडर ट्रांसपोर्टेशन इज द नेक्स्ट थीम विच इज प्लेइंग वेरी वेल, और अब तो मेरा जिस यहां पे रुझान है वो है मिड कैप बैंक्स। तो मिड कैप बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन, NBFCs, दीज विल बी द आउट परफॉर्मर्स अलॉन्ग विद इंश्योरेंस। आप कहें तो मैं शुरू करूं। यस सर। तो हाँ, एक आपको और डिस्क्लोजर दूं कि आज रिवर्स मर्जर के बाद में IDFC फर्स्ट बैंक भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। इसमें मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट 65 है, लेकिन 75 का ओवरऑल लॉन्ग टर्म टारगेट बने हैं, तो बने रहिए। तो देखिए, आज का टॉप पिक होएगा स्टेट बैंक। आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैन बैंक, और मैंने डिस्क्लोजर भी दिया, वी आर एडिंग दीज एवरी डे। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक मैं दे चुका हूं, लेकिन आज मुझे लगता है स्टेट बैंक इज द वन विच विल लीड द बैंक, एंड बैंक्स में जो प्रॉफिट बुक है आई थिंक द मिड कैप बैंक्स विल लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑलरेडी IDF। सो 428 में लीजिए, 428-30 में लीजिए, 421 का स्टॉप लॉस है, 445 का नियर टर्म टारगेट। और दूसरा, बिकॉज ऑफ द reopening of transportation and trucks, Chola Finance will be in the superb space. It's a very very one of the best credential NBFCs. 512-13 mein lijiye, stop loss of 502, minimum first target 535, and if it crosses that then 547 can come very very shortly.